नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर ICS में, जहां पर मैं मधु पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को MCQ वाइज कवर करा रही हूं। आज का चैप्टर है ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल। ये मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है और इस चैप्टर का MCQ सेट 1 है। जहां भी सिलेबस में हिस्ट्री आपके एग्जाम में है, वो सभी एग्जाम को मैं कैटर कर रहे हैं, चाहे आप UPSC की तैयारी कर रहे हों या स्टेट PCS की या कोई भी लोअर एग्जाम जैसे कि SSC, रेलवे या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, उन सभी को मद्देनजर रखते हुए मैं सारे MCQ सेट प्रिपेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्परर। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? आपके ऑप्शंस हैं ए सरफराज खान, बी मुर्शिद कुली खान, सी अली वर्दी खान, डी सुजाउद्दौला। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मुर्शिद कुली खान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल हु वॉज अपॉइंटेड बाय मुगल एम्परर। बंगाल का अंतिम सूबेदार जिसे मुगल सम्राट ने नियुक्त किया था। आपके ऑप्शंस हैं ए मुर्शिद कुली खान, बी सरफराज खान, सी सुजाउद्दीन मुहम्मद खान, डी अलीवर्दी खान। तो इसका आंसर क्या होगा? मेरे साथ साथ आप लोग भी आंसर लगाया कीजिए या कमेंट में लिखा कीजिए, हर क्वेश्चन का ये रिलेवेंट आंसर है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज बिगन द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर इंडिया। निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत पर ब्रिटिश वर्चस्व को मजबूत करने की शुरुआत की? आपके ऑप्शंस हैं ए बैटल ऑफ बक्सर, बी बैटल ऑफ प्लासी, सी थर्ड बैटल ऑफ मैसूर या डी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ 1857। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बैटल ऑफ प्लासी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड बाई लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ। सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने किस युद्ध में हराया था? आपके ऑप्शंस हैं ए प्लासी, बी बक्सर, सी मुंगेर, डी वांडीवॉस। तो चौथे का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्लासी। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने हराया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शंस हैं ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड एमहर्स्ट, सी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो पांचवे का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव कहलाया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड एज अ हेवन बॉर्न जनरल। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग में जन्मा जनरल कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए अल्बुकर्क, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी फ्रैंकोइस डुप्लेक्स, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो छठे का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कलकत्ता इन 1784। 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शंस हैं ए जोनाथन डंकन, बी विलियम जोन्स, सी वॉरेन हेस्टिंग्स, डी चार्ल्स ग्रांट। तो सातवें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने ही 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, द बैटल फील्ड ऑफ प्लासी सिचुएटेड इन। प्लासी का युद्ध क्षेत्र कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल। तो आठवें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन द ईयर।
पलासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? आपके ऑप्शन है ए 1761, बी 1757, सी 1760 या डी 1764। तो नौवे का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1757। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर? निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? आपके ऑप्शंस हैं ए अली वर्दी खान, बी सिराजुद्दौला, सी मीर जाफर, डी मीर कासिम। तो दसवें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मीर कासिम। मीर कासिम ने ही अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर में स्थानांतरित कर दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, द मोस्ट डिसिसिव बैटल दैट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया वॉर। भारत में अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित करने वाली सबसे निर्णायक लड़ाई कौन सी थी? आपके ऑप्शंस हैं ए द बैटल ऑफ बक्सर, बी द बैटल ऑफ प्लासी, सी द बैटल ऑफ वॉन्डिवोस, डी द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो 11वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए द बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉज द रूलर ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? आपके ऑप्शन है ए औरंगजेब, बी शाह आलम प्रथम, सी बहादुर शाह जफर या डी शाह आलम द्वितीय। तो 12वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट? जब बक्सर की लड़ाई लड़ी गई तो बंगाल का नवाब कौन था? आपके ऑप्शन है ए सिराजुद्दौला, बी मीर जाफर, सी मीर कासिम, डी निजामुद्दौला। तो 13वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मीर जाफर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, आउट ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट डिसिसिव बैटल फॉट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज। निम्नलिखित में से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़ी गई सबसे निर्णायक लड़ाई थी। आपके ऑप्शन है ए बैटल ऑफ बक्सर, बी बैटल ऑफ पलासी, सी द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, डी द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। तो 14 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बैटल ऑफ बक्सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, आज के क्वेश्चन काफी फैक्चुअल है तो इसे हम लोग फटाफट कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट डिसिसिव मिलिट्री सक्सेस ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया इज मार्क्ड बाय। भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सैन्य सफलता किसके द्वारा चिन्हित है? आपके ऑप्शन है ए बैटल ऑफ बक्सर, बी बैटल ऑफ पलासी, सी बैटल ऑफ पानीपत या डी बैटल ऑफ हल्दीघाटी। तो 15वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बैटल ऑफ बक्सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट बैटल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई मानी जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए बक्सर, बी पलासी, सी श्रीरंगपट्टनम या डी वॉन्डिवोस। तो 16वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, विद रिफरेंस टू द हिंदू नायब वाजीर ऑफ अवध सल्तनत, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका पहला स्टेटमेंट है राजा टिकेत राय वॉज अर्थ मंत्री ऑफ नवाब असफुद्दौला। राजा टिकेत राय नवाब असफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। दूसरा स्टेटमेंट, यूजली देयर वॉज सर्टेन हिंदू कास्ट हु वर प्लेस्ड एट द हाई पोजिशंस इन द स्टेट ऑफ नवाब ऑफ अवध।
आम तौर पर कुछ हिंदू जातियां थीं जिन्हें अवध के नवाबों के राज्य में उच्च पदों पर रखा गया था। तो हमें इसमें से सही उत्तर को चुनना है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा इन दोनों में से? ये दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि राजा टिकट राय जो थे नवाब असाफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे, ये बिल्कुल सही है। और आम तौर पर कुछ ही हिंदू जातियां थीं जिन्हें अवध के नवाबों के राज्य में उच्च पदों पर ही रखा जाता था। तो बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 इज करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, Which one of the following rulers had granted Diwani to the East India Company? निम्नलिखित में से किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? आपके ऑप्शन हैं ए फारूक सियार, बी शाह आलम, सी शाह आलम सेकंड, डी शुजाउद्दौला। तो 18वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी शाह आलम सेकंड या शाह आलम द्वितीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, हु ग्रांटेड द दीवानी ऑफ बंगाल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1765? 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? आपके ऑप्शन हैं ए नवाब ऑफ बंगाल, बी मुगल एम्पायर, सी ब्रिटिश मोनार्क या डी अफगान किंग। तो 19वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मुगल एम्पायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच गवर्नर्स टेन्योर दीवानी राइट ऑफ बंगाल बिहार एंड ओडिशा वॉज ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी बाई एम्परर शाह आलम? किस राज्यपाल के कार्यकाल में सम्राट शाह आलम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा का दीवानी अधिकार प्रदान किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेस्ली या डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। 20वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, एम्परर शाह आलम सेकंड गेव द दीवानी ऑफ बंगाल बिहार एंड ओडिशा टू ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कब दी थी? आपके ऑप्शन हैं 12 अगस्त 1765, बी 18 अगस्त 1765, सी 29 अगस्त 1765 या डी 21 अगस्त 1765। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 12 अगस्त 1765। ये डेट आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही डिसिसिव बैटल हुआ था इस दिन, तो इस डेट को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, 12 अगस्त 1765। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट ओवर द फोर्ट ऑफ प्रयागराज? निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रयागराज यूपी के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? आपके ऑप्शन से ए 1790, बी 1792, सी 1796 या डी 1797। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 1797। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, वेयर वॉज द वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सिचुएटेड इन द अर्ली पीरियड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक काल में पश्चिमी प्रेसिडेंसी कहाँ स्थित थी? आपके ऑप्शन हैं ए सूरत, बी सतारा, सी बॉम्बे, डी पणजी। तो 23वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सूरत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, हु वॉज अपॉइंटेड डेप्यूटी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद बाय रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर द इलाहाबाद ट्रिटी? इलाहाबाद संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? आपके ऑप्शन हैं ए मोहम्मद रजा खान, बी शिताब राय, सी राय दुर्लभ, डी सैयद गुलाम हुसैन। तो 24वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मोहम्मद रजा खान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन ट्राइब्स डिड द ब्रिटिश फर्स्ट केम इनटू कांटेक्ट विद आफ्टर द ग्रांट ऑफ दीवानी इन द ईयर ऑफ 1765? वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान करने के बाद अंग्रेज सबसे पहले
निम्नलिखित में से किस पहाड़ी जनजाति के संपर्क में आए? आपके ऑप्शन हैं ए गारो, बी खांसी, सी कुकी या डी टिपरा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी खांसी। तो आज के सेट ऑफ 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसे ही और कई सेट ऑफ MCQs आते रहेंगे, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशंट हिस्ट्री हो या मेडिवल हिस्ट्री हो, मैं सारी की सारी हिस्ट्री को MCQ वाइज कवर करा रही हूँ। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।